वहीं देश में इन दिनों एससी एसटी एक्ट को लेकर मुद्दा गर्म है। आज एनडीए के सांसद पीएम से मिले तो विपक्ष के सांसदों ने राष्ट्रपति से मुलाकात की है। पूरा विवाद सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश से शुरू हुआ जिसमें इस एक्ट में सीधे गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई थी। संसद भवन में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद बाहर आए केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि सरकार एसटी कानून पर पुनर्विचार याचिका दायर करेगी। प्राइम मिनिस्टर से तो आप हाँ ना में प्राइम मिनिस्टर तो नहीं कहेंगे ना कि हम रिव्यू पिटीशन डालेंगे, डालेगी तो सरकार डालेगी ना। तो जब सरकार कह रही है कि हम क्या कहते हैं इसको एग्जामिन करवा रहे हैं तो इसका मतलब है क्या कहते हैं सरकार पॉजिटिव है। बिहार में दलितों की राजनीति करने वाले रामविलास पासवान और महाराष्ट्र के दलित नेता रामदास आठवले एनडीए के एससी एसटी सांसदों को साथ लेकर आज पीएम से मिले। एससी एसटी कानून में तुरंत गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद कांग्रेस समेत एनडीए के दलित नेता सरकार को घेर रहे हैं। कांग्रेस बीएसपी टीएमसी समेत 12 दलों के दलित सांसदों के साथ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। बाहर आकर राहुल ने दावा किया कि राष्ट्रपति ने एक्शन का भरोसा दिया है। हम राष्ट्रपति जी के पास गए, एक तरफ अत्याचार बढ़ रहा है दलितों पे आदिवासियों पे और दूसरी तरफ जो उनका सबसे बड़ा हथियार है उसको डाइल्यूट किया जा रहा है और राष्ट्रपति जी ने काफ़ी अच्छी तरह सपोर्ट किया और कहा कि एक्शन लेंगे। एससी एसटी एक्ट कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी और कांग्रेस समेत सभी दल सरकार से पुनर्विचार याचिका दायर करने की मांग कर रहे हैं। मैं पुण्य प्रसून वाजपेयी आ रहा हूँ एबीपी न्यूज पर। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।